क्या हो अगर ये मंदिर पहले कुछ इस तरह दिखता। तो आप सब भी जानना चाहोगे कि ये मंदिर कौन सा और कहाँ है। फिलहाल ये तो अभी ट्रेलर था, तो आओ इसे मंदिर के बारे में जानते हैं और ये पहले कैसे दिखता था उसे भी अच्छी तरीके से समझ के लेते हैं 3D के माध्यम से। नमस्कार आप सभी लोगों को। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो है मल्लिकार्जुन मंदिर के बारे में, जो पत्ताडकल में स्थित है। वैसे तो मल्लिकार्जुन एक ज्योतिर्लिंग भी है जिसे श्रीशैलम मल्लिकार्जुन कहा जाता है, लेकिन आज हम इस मंदिर के बारे में नहीं जानेंगे। आज जो हम जानने वाले हैं वो है पत्ताडकल में स्थित मंदिरों के बारे में, जिसमें से एक मंदिर है मल्लिकार्जुन मंदिर। पत्ताडकल सीरीज का आज का हमारा दूसरा वीडियो है। पहला जो वीडियो है हमने पापनाथ मंदिर के बारे में जाना था जो पत्ताडकल में ही स्थित है, तो आप उसे भी जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम जानेंगे मल्लिकार्जुन मंदिर के बारे में, तो चलो आज इसी मंदिर के बारे में जानते हैं। अगर पत्ताडकल के लोगों से जाने तो यहाँ के लोगों का मानना है कि ये मंदिर चालुक्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को दर्शाता है, जो 7वीं से 8वीं सेंचुरी में बना गया था, जो नॉर्थ और साउथ इंडियन वास्तुकला को दर्शाता है। और आगे यहाँ के लोग कहते हैं कि इस जगह पर दो तरह के लोग आते हैं, जिसमें से कुछ लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और यह साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज होने के कारण यहाँ कुछ लोग हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चर लैंडमार्क देखने आते हैं एंड सर्वे करते हैं। तो इस बात से साफ पता चलता है कि जो इस मंदिर को मानते हैं वो वॉरशिप यानी दर्शन करने आते हैं और कुछ इसे हिस्टोरियन प्लेस समझकर यहाँ सर्वे करने आते हैं। तो अब इसकी हिस्ट्री क्या है हम अब इसे जानेंगे। तो सबसे पहले पत्ताडकल की हिस्ट्री जानते हैं। पत्ताडकल कर्नाटका में आता है, बगलकोट डिस्ट्रिक्ट में एक सुंदर शहर है और यहाँ के सभी मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आते हैं, जिसमें गिनकर 10 मंदिर आते हैं, जैसे कि 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर। और मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है वो है विरूपक्ष का मंदिर, जिसे बेस्ट साइट फॉर हिस्टोरियंस भी माना जाता है। और यहाँ के सारे मंदिर जो है रानी लोक महादेवी द्वारा निर्माण किए गए हैं। पदत्तकाल के नाम का अर्थ है राज्याभिषेक का स्थान, जिसका उपयोग चालुक्य राजाओं द्वारा राज्याभिषेक के समारोह के लिए किया जाता था। पदत्तकाल में राज्याभिषेक कराने का विशेष कारण था कि इस जगह को विशेष रूप से पवित्र माना जाता था, क्योंकि यह वह जगह थी जहां मलप्रभा नदी हिमालय में कैलाश पर्वत की ओर मुड़ गई थी। ये सभी मंदिर परिसर में एकमात्र ऐसे मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। बता दें इन प्राचीन मंदिरों में लिंगोद्भव, नटराज, उग्र नरसिम्हा और रावण जैसे कई देवी देवताओं के प्राचीन मूर्तियां भी स्थापित है। इस मंदिर के विपरीत एक विशाल काले पत्थर का अखंड नंदी मंडप है, जिसकी दीवारों पर देवियों की नकाशी की गई है। ये सब जो जाना हमने वो पत्ताडकल के बारे में था। अब हम जानेंगे मल्लिकार्जुन मंदिर के बारे में। तो यह एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि इस मंदिर को श्री त्रिलोकेश्वरा महाशैला प्रसाद कहा जाता था, जिसका निर्माण 700 ईस्वी में किया गया था और इसे रानी द्वारा बनाया गया था, जिनका नाम रानी लोक महादेवी था। यह मंदिर रानी ने अपने पति के लिए बनवाया था, जो कि उनकी जीत की खुशी के लिए था, जिसका कारण था कि कांचीपुरम में पल्लवों पर उनके पति की जीत। सामान्य रूप और शैली यानी स्टाइल में यह भी मंदिर विरूपाक्ष के मंदिर जैसा ही दिखता है, जिसे एक कारण से एक समय और एक आर्किटेक्ट ने बनवाया है। यह मंदिर पूरी तरह से विकसित है और साउथ विमाना स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। इसकी प्लानिंग करते समय गर्भगृह और परिक्रमा पथ एक साथ बनाए गए हैं और सामने दोनों तरफ उपमंदिर के साथ एक प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार के साथ एक सभा मंडप और सभा मंडप के आगे एक नंदीस्थान बनाया गया है। उपमंदिर जो है वो मूल रूप से गणेश जी और महिषासुर मर्दिनी को समर्पित है। यह मंदिर हाई प्लिंथ पर बनाया है, जिसमें पंचपुरी तरह से विकसित मोल्डिंग शामिल है। साथ में इसमें विंडोज के साथ कार्विंग किया गया है, जो विरूपक्षमय मंदिर के जैसा ही आकार दियो। सभा मंडप के स्तंभ पर उकरे गए महाकाव्य और पौराणिक प्रसंग में देवी देवताओं का महिषासुर से युद्ध, समुद्र मंथन, नरसिम्हा का हिरण्यकश्यप से युद्ध, रामजी द्वारा मारीच का वध आदि शामिल है। यह संलग्न स्तंभ पर चित्रित कामुक जोड़े और आकार में थोड़े बड़े हैं और विरूपक्ष मंदिर की तुलना में बेहतर संरक्षित है। इस मंदिर के निचले तल पर हाथी और अन्य प्राणी दर्शाए गए हैं और साथ में इस मंदिर में भगवान शिव का नटराज रूप दिखाई देता है। तो यही सब था इस मंदिर के बारे में। अब हम इस मंदिर को देखते हैं 3D के माध्यम से कि ये पहले कैसा दिखता था। तो चलो शुरू करते हैं।